बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्कोर 24 में आपका खुश आमदीद है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान अहमद। नाज़रीन, हमारी एक बड़ी खूबसूरत सियासतदान है मोहतरमा जरताज गुल साहिबा। इनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, डेरा गाजी खान। ये NA-191 से ये इलेक्ट होकर MNA मुंतखब होकर पार्लियामेंट में पहुंची और अब ये वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं माहौलियाती तब्दीली की। ये वफाकी वज़ीर हैं क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट चेंज की, ये वफाकी वज़ीर हैं, ये मिनिस्टर हैं। और ये COVID-19 पर बयान क्या दे रही हैं, इनका मैं आपको बयान सुना देता हूँ जो भी है इनका बयान। लेकिन इससे पहले आपसे मेरा एक वादा है कि आपने हंसना बिल्कुल नहीं है, याद रखें हंसना बिल्कुल नहीं है और मजाक आपने बिल्कुल नहीं उड़ाना। और ये बयान सुने और इसके बाद भी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। ये नहीं कि इनका बयान सुनने के बाद आप छू मंतर हो जाएं, बस वहीं पे वीडियो छोड़ें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। खैर, इनका ये बयान सुने, ये कह क्या रही हैं COVID-19 के मुतलक। ये फ्लू है, COVID-19 का मतलब है कि इसके 19 वो हैं पॉइंट्स है जो किसी भी मुल्क पे किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है। जी तो नाज़रीन, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे इस छोटे से चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी नई आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा की तरह बरवक़्त पहुँचते रहें। और आपने बयान सुन लिया COVID-19 के मतलब, बयान दे रही हैं मोहतरमा जरताज गुल साहिबा कि COVID-19 का मतलब ये है कि 19 पॉइंट होते हैं। और यार क्या बात करूं, मेरी समझ से बाला तर है कि COVID-19 को वो कह रहे हैं 19 का मतलब है 19 पॉइंट। अब ये 19 पॉइंट ये हमारी वफाकी वजीर है माहौलियाती तब्दीली की। और ये खान साहब, यार हमने खान साहब को सपोर्ट की, खान साहब को वोट दिए, खान साहब को मुंतखब करवाया वजीर आजम, और आज ये हालात है कि कबीना में ऐसे लोग बैठे हुए और फिर हम कहते हैं कि मुल्क हमारा तरक्की नहीं कर रहा। और देखें ये वजीर किस चीज़ की है, माहौलियाती तब्दीली की। COVID-19 का तल्लक किसके साथ है, इन्वायरमेंट के साथ है, माहौलियात के साथ है COVID-19 का तल्लक भी। और 6 महीने हो गए COVID-19 को आए हुए, तो ये कुछ ना कुछ उसके ऊपर रिसर्च कर लेती, कुछ पढ़ लेती, बीबी कुछ तो पढ़ लेती, अब इंटरव्यू देने आ जाती हैं, कुछ तो पढ़ लेती COVID-19 है क्या, दुनिया इससे बुरी तरह से मुतासर हो रही है, पाकिस्तान बुरी तरह से मुतासर हो रहा है, आपको तो अभी तक ये नहीं पता COVID-19 का मतलब क्या, आपके तो ख्याल से 19 पॉइंट है और पाकिस्तान के तो क्या, पाकिस्तान के कितने पॉइंट हो गए। मोहतरमा से ये सवाल होना चाहिए था ना। अब अगर यहाँ पर कोई के ये एडिट शुदा है तो 18 जून को इनका PTV पर इंटरव्यू हुआ था, वो इंटरव्यू ऑनलाइन पड़ा होगा, आप कहीं से भी सर्च करके देख लें आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। वरना ये मैं हवाला दे रहा हूँ ट्विटर के ऊपर, ये इस ट्वीट के जरिए आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मुझे तो यकीन करें खान साहब पर तरस आ रहा है कि यार खान साहब आपने कैसे लोग कबीना के अंदर बैठाए हुए हैं और फिर आप कहते हैं कि मुल्क तरक्की करेगा, इन लोगों के साथ मुल्क तरक्की करेगा। और ये मोहतरमा कहती हैं कि ये ग्रेजुएट है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से, इनकी डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल के अंदर इनके पास डिग्री है। तो आपका क्या ख्याल है, ये आपको लगता है ये ग्रेजुएट होंगी, ये खूबसूरती में ग्रेजुएट हैं और इसी वजह से ये पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं, और कुछ भी नहीं है इनके पास। अगर कुछ होता तो आज तक इनको 6 महीने हो गए COVID-19 को आए हुए, इस पर कुछ ना कुछ तो पढ़ लेती, कुछ रिसर्च कर लेती तो इनको पता होता COVID-19 का मतलब क्या है। ये 19 क्यों रखा गया, इसका नाम 2019 की वजह से रखा गया, 2019 की वजह से 19 ऐड किया गया। मोहतरमा को कोई बता दे ये 19 पॉइंट वाला कोई चक्कर नहीं है, 19 पॉइंट के बाद क्या आपने सेंचुरी करनी है, 100 पॉइंट करने हैं। जी तो नाज़रीन, मेरे तो जज्बात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि खान साहब के लिए हमने इतनी मेहनत की, इतने धक्के खाए और ऐसे लोग, ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग हमारे सरों के ऊपर आकर बैठा दिए और इनसे फिर कहते हैं कि मुल्क तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे, इनसे हम क्या तरक्की करेंगे, खाक तरक्की करेंगे इनसे हम। और ये थी लेटेस्ट अपडेट, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मजीद अपडेट के साथ। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर करना है, तब तक के लिए अपना अपने दोस्तों का गिरदोनवा का भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।